Assalamu alaikum everyone, welcome back my channel my parrot wifi and me. तो friends, ये है second part question and answer regarding baby parrot पे. ये second part है. First part already uploaded है. अगर किसी ने नहीं देखा है तो please आप जाकर previous video देख लीजिए, जिसमें मैंने आपके हाफ क्वेश्चंस के आंसर की थी. जो बचे हुए क्वेश्चंस से उनके आंसर्स में अभी करूंगी. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में ये है फ्रेंड्स के पैरट हैंड फीडिंग पे है तो उसको कौन से वेजिटेबल देना शुरू करना चाहिए. हैंड फीडिंग के साथ आपको सारे वेजिटेबल्स पैरट को देना चाहिए ताकि उससे खाने से पैरट को वेजिटेबल का टेस्ट पता चले, वो वेजिटेबल से इंट्रोड्यूस हो जाए. तो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो, घर में अवेलेबल हो, तो वो आप उन्हें ज़रूर कट करके उनके सामने रखें, छोटे छोटे पीसेस बना के रखें ताकि बड़े बड़े पीसेस रह गए तो उन्हें खाने में दिक्कत होंगी, वो ज़रूर खाने की ट्राई करेंगे. इस तरह से ना बहुत ईजी हो जाएगा आपका पैरेट को हैंड फीड से सेल्फ फीड पर आने के लिए. इसके अलावा जब आप कुछ खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, तो आपको आप अपने पैरेट को, बेबी पैरेट को अपने पास रखें और आप भी खाइए और उसे भी खाने दीजिए, उसके साथ मिलकर खाइए. बिकॉज आप अगर फ्रूट खा रहे होंगे तो आपका पैरेट भी खाने की ज़िद ज़रूर करेगा. उसे नए फ्रूट और वेजिटेबल ज़रूर टेस्ट करवाए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डू बेबी पैरेट ड्रिंक वाटर? तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने बेबी पैरेट को हैंड फीड फॉर्मूला खिला रहे होते हैं और उसे हम पानी में मिक्स करके ही पिलाते हैं, इसलिए उसे पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट जैसे इस बार गर्मी थी, वैसी अगर शिद्दत वाली गर्मी होगी, 40-42 डिग्री अगर क्रॉस कर गया होगा टेम्परेचर, तो फिर उस कंडीशन में आप उन्हें पानी पिला सकते हो, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कैन बेबी पैरोट ईट बॉयल्ड राइस? तो देखिए, आप बॉयल्ड राइस खिला सकते हो अपने पैरेट को जब वो सेल्फ फीड पर आने लगे तब, बट वो सिर्फ बॉयल्ड राइस होना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए. बगैर नमक के आप उसे बॉयल्ड राइस खिला सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट्स मिल्क गुड फॉर बेबी पैरोट? तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बेबी पैरोट हो या बड़ा पैरोट हो, दोनों के लिए हार्मफुल है. तो दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ अपने बेबी पैरोट को या पैरेट को नहीं देनी चाहिए. बड़ी आपका पैरेट एडल्ट क्यों ना हो, तो उसे भी वो चीज़ नहीं देनी चाहिए जो दूध से बनी हुई है या फिर दूध. कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो अपने घर बेबी पैरेट लेकर आते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या फीड कराना है, तो उसे दूध रोटी, दूध ब्रेड, दूध बिस्किट ऐसे सब खिलाते हैं और फिर उनका पैरोट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है. आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी पैरोट हंगरी है, भूखा है. तो आपका बेबी पैरोट ज़ोर ज़ोर से अगर आवाज़ें निकालेगा, या फिर आपको ये करना है, उसके वीक को टच करना है. अगर वो वीक आपको, मतलब वीक टच करते ही अगर आपके पास खाना मांगता है, तो आप समझ जाना कि आपका बेबी पैरोट भूखा है, हंगरी है. और एक सवाल आपका ये भी है, क्या मैं अपने पैरेट को बिस्किट, चाय, ब्रेड, दही ये सब दे सकते हैं? तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताई हूँ कि आपका पैरेट बेबी पैरेट हो या फिर बड़ा पैरेट हो, ये सब चीज़ें आप उन्हें नहीं दे सकते हो. आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन लास्ट है, कि मेरा बेबी पैरेट क्यों बाइट करता है? अगर आपका बेबी पैरेट आपको बाइट कर रहा है तो इसका मतलब है, क्योंकि बेबी पैरेट जो होता है उनकी बाइट में फोर्स नहीं होता है, वो फोर्सफुली बाइट नहीं करते हैं. इसका मतलब ये भी होता है कि वो चाहता है कि आप उसे टाइम दे, अटेंशन दे, या आपसे वो कुछ कहना चाहता है. तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. अगर आप प्रॉपर उसे टाइम देते हो तो आपका पैरेट बेबी हो या बड़ा हो, आप पहले से अगर उसके साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाओगे तो वो आपको कभी भी बाइट नहीं करेगा. और आप अपने पैरेट की बॉडी लैंग्वेज को समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए. और आपको नहीं पता है कि पैरेट की बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दी है. उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने पैरेट की बॉडी लैंग्वेज आसानी से समझ सकते हो. तो आपको ये दोनों पार्ट बेबी पैरेट से रिलेटेड पसंद आए होंगे.
वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपके ऐसी कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो बाय एवरीवन।